Hello everyone, this is Aditi Kaval, and today we will be discussing about the subject details of BOM, that is basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द बिहेवियरल साइंस, ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, एथिक्स, एथिकल बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है HRM एंड इट्स फंक्शंस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह देते हैं हम इसे, राइट. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट गिवन, पहले टाइम पे इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए उनको लगता था कि ये यूज़ नहीं होते हैं. बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड एंड टुडे द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं. सो द अटेंशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी नॉलेज, स्किल्स, अबिलिटीज़, HRD, they provides many opportunities to employees like training, performance appraisal, career planning, etc. तो HRD का मीनिंग क्या है या HRM का मीनिंग क्या है? Basically, it means to develop manpower through suitable methods such as training, promotion, transfer and career development, etc. तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम manpower develop कर सकते हैं through the suitable methods. ट्रेनिंग देके उन पर्सन्स को, उनका ट्रांसफ़र करके, उनके करियर को डेवलप करके, उनको प्रमोट करके, उनको करियर एफिशिएंट बना के, मैनेजर्स को डेवलप करके, सबॉर्डिनेट्स को डेवलप करके, वन ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज़. एंड थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ दे फुलफिल देयर वर्क goals. So HRD is the concept that which was first introduced by Leonard Nadel in 1969 in a conference in US. He defined ki human resource development jo hai wo bahut zyada important hai as those learning experiences which are organized for a specific time and designed to bring about the possibility of behavioral चेंज. की जो एम्प्लॉयज से हम चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज से निकलवाना चाहती है, उसे उन एम्प्लॉयज के अंदर डेवलप कैसे करना है, राइट. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है या ये मैनेजमेंट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, कैपेबिलिटीज एंड पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड ऑफ द पीपल वर्किंग एट द लेवल ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग. जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज को, उनकी कैपेबिलिटी को, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को, सबको लेवल को हाई करना, इम्प्रूव करना. कैसे? उनको ट्रेनिंग देके, उनको समझा के, उनको सिखा के, उनके अंदर उस चीज़ को डेवलप करके प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस के साथ. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशंस क्या हैं. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू इम्प्रूव द मैन पावर स्किल, नॉलेज एंड अबिलिटीज, ओवरऑल ग्रोथ करना, एम्प्लॉयज की ओवरऑल ग्रोथ करना. Then to make the utilization of manpower by employing right man to the right job at the right time. मतलब कि ये skills develop करना कि किस person को किस काम के लिए किस time पे लगाना चाहिए. Then to give reward employees contribution handsomely. तो जितना भी employee ने आपकी industry के लिए, आपकी organization के लिए contribute किया है, उसके related उसको reward provide करना. Then to make the employees willing to accept the चेंज. अगर कोई चेंजेस होते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की अंदर, उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं, तो एम्प्लॉई विलिंगली उस चेंज को एक्सेप्ट करे. इस तरह की स्किल्स जो हैं, इस तरह की जो नेचर है, इस तरह का जो बिहेवियर है, वो एम्प्लॉय के अंदर डेवलप करना. देन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज, उनकी करियर डेवलपमेंट, वर्कर्स को उनका मोराल हाई करना बाय गिविंग देम परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन टू इंक्रीज द मोराल, देन टू फैसिलिटेट देम विद द सैलरी एंड द इंक्रीमेंट विच इज़ डिटर्मिंड विच इज़ नीडेड टू देम, देन उनका फोकस क्रिएट करना ऑन अ हेल्दी वर्क कल्चर एंड विद द एम्प्लॉयज़. अब इसके फीचर्स क्या हैं? ये तो थी कि ज़रूरत क्या है उसकी, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है इसके कोर्सेज करवाए जाने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्यों एक पार्ट बनाना चाहिए. तो ये चीज़ हो गई. देन उसके फीचर्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के?
बेसिक उसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, कि ये एक कंटिन्यूस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर एक बार आपका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ चला गया, तो फिर आप वहाँ से वापस, बहुत रेयर होता है कि कोई वहाँ से वापस आता है। तो इस तरह की ह्यूमन की नेचर को इस तरह का बनाना, उसके बिहेवियर को इस तरह से डेवलप करना, उसकी सोशियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी इकोनॉमी, उसका कॉन्सेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करना, देन बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर जो इंटर रिलेटेड हैं आपस में, एक गुड रिलेशनशिप बनाना सीनियर सबॉर्डिनेट के बीच में, उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जो है वो जगाना, क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जनरेट करना, राइट, देन टीम स्पिरिट अमंग द एम्प्लॉयज़, टीम स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, HRD उसको प्रमोट करती है, राइट, देन वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ, इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़ नीड्स एंड मीटिंग देम टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। तो इसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की नीड्स को फाइंड आउट करना और उसके करीब उसको लेके जाना, ताकि उसको बेस्ट चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा सके, जो जिस एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, ताकि वो एम्प्लॉय खुशी खुशी आपके ऑर्गेनाइजेशन को 100% दे के वर्क करे, राइट। देन डेवलपिंग बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस, इट ट्राइज टू डेवलप कॉम्पिटेंस एट इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, राइट, और फिर इट बिकम्स एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका स्कोप क्या है, कहाँ पे इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इसको कैसे इसके साथ वर्क कर सकते हैं, स्कोप क्या है इसका, इसके अंदर ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो मैनेजर्स की, उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं हम इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। करियर डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है इसके, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स करियर्स को डेवलप करने के लिए, फ्यूचर प्रमोशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, एब्सेंटिज्म की, लो प्रोडक्शन की, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोअर डाउन होती हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो बढ़ता है, पोटेंशियल अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो HRD के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। दीज आर द टूल्स टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो इससे उनको उनके बारे में बताया जाता है, तो जिससे कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स जो हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, देन प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इसके थ्रू, ट्रेनिंग हो सकती है अप टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, एंड देन मोटिवेशन कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड्स, राइट, बाय परफॉर्मिंग बेटर, बाय बिहेविंग बेटर, बाय सजेस्टिंग न्यू आइडियाज, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो HRD है उसका ये स्कोप है कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं HRD को इम्प्लीमेंट करने के बाद, राइट, देन उसके अंदर ही एक पॉइंट आता है मैन पावर प्लानिंग। ये एक स्टाफिंग का भी एक इंडिविजुअल एक पॉइंट है, जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, तो स्टाफिंग का भी एक पार्ट है मैन पावर प्लानिंग, कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको किस तरह से पर्टिकुलर एरिया में उनको डिवाइड करना है, टोटल कंपनी में कितने नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, कितनी मैन पावर है, कौन सी मैन पावर की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या उसकी जो पॉजिटिविटीज हैं, और उनको उस तरीके से कहाँ पे हमने एम्प्लॉय करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो बेसिकली दिस प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉरकास्टिंग, डिवेल्पिंग, implementing and controlling, by which a firm ensures that it has the right number of people and right kind of people at right place. कि मैन पावर की प्लानिंग करना, कि अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज हैं, उन 10 एम्प्लॉयज में से 2 एम्प्लॉयज जो हैं वो सॉफ्टवेयर में मास्टर हैं, तो उन्हें सॉफ्टवेयर का पोर्शन जो है वो दिया जाएगा, 2 एम्प्लॉयज जो 3 एम्प्लॉयज जो हैं वो हार्डवेयर में मास्टर है तो उनको वहाँ पे दिया जाएगा, 1 पर्सन जो है वो मार्केटिंग स्किल्स में मास्टरी है उसकी तो उसको वो वाला काम दिया जाएगा, और बाकी जो सारे हैं वो अंडर क्वालिफाइड हैं उनको प्रोडक्शन में भेज सकते हैं ताकि वो फील्ड में जाके काम कर सके, परफॉर्म कर सके, राइट। तो मैन पावर प्लानिंग जो है, एक पर्सन को किस तरह से आपने डेवलप करना है और इस चीज़ को इंश्योर करना कि आपकी जो इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं वो सारे राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे काम कर रहे हैं। This is basically the manpower planning. So according to Edwin and Jester, ये चीज़ थी। According to Coleman,
Manpower is the planning of determining manpower requirements and his means for meeting those requirements in order to carry the इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आपने मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी पर्सन हमें चाहिए और कितनों को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, राइट? तो दिस इज द मैन पावर प्लानिंग. अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ज़रूरत है मैन पावर प्लानिंग की, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे क्या होगा, जो फोरकास्ट है द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़ने वाला है, कितने लोगों की उसको और ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए. देन स्टेटस ऑफ द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को डिटरमिन करने के लिए, टू डिटरमिन द रिक्रूटमेंट लेवल, कितने लोग हमारे पास हैं, कितनों की कमी है, कितने और रिक्रूटमेंट कितनी चाहिए. देन टू इंश्योर दैट द नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज आर अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब भी ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. दिस इज़ द मैन पावर, कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कौन से सेक्शन में कितने लोगों की ज़रूरत है, किस टाइप का पर्सन चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन का चाहिए, कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स का चाहिए, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को डिसाइड करना इज कॉल्ड बेसिकली द मैन पावर प्लानिंग. अब इसकी ज़रूरत क्या है, बिकॉज थ्रू मैन पावर प्लानिंग वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो अगर कोई शॉर्टेज है तो हमें पता चल जाएगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन में शॉर्टेज है या पूरी कंपनी में शॉर्टेज है, दैट विल कम टू नो. उसके अकॉर्डिंगली हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए प्रोग्राम सेटिंग कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट के अंदर कोई वैकेंसीज आती हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द मैन पावर प्लानिंग. तो वो मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि हाँ जी, कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे इतने लोग अवेलेबल हैं और इतने लोगों की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पोस्ट जो हैं उनको निकालते हैं, वैकेंसीज शो करते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं. एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड ओवर स्टाफिंग, कि कहीं पर ज़्यादा जहाँ पे नहीं रिक्वायरमेंट है या कम लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कहीं ज़्यादा स्टाफ तो नहीं वर्क कर रहा है. तो ओवर स्टाफिंग को अवॉइड करने के लिए भी मैन पावर प्लानिंग चाहिए. आइडेंटिफाई अवेलेबल टैलेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस के लिए, एंड देन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए मैन पावर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. एंड अलॉन्ग विद दैट टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैन पावर मैनेजमेंट, वी नीड द मैन पावर प्लानिंग. अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है मैन पावर प्लानिंग की, द मीट द चेंजिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हेल्प्स इन सूटेबल अरेंजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के लिए सूटेबल अरेंजमेंट करने के लिए जो मैन पावर प्लानिंग है वो चाहिए होती है. फ्यूचर मैन पावर फॉरकास्टिंग के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं उनके चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो हाईली क्वालिफाइड या वेल स्किल्ड पर्सन जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, या लेटेस्ट जो फ्रेश पर्सन है जो अभी अभी पढ़ के निकले हैं और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में काफ़ी जानकारी है, तो उनकी ज़रूरत है. देन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी, मार्केट, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली भी मैन पावर जो है प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें चेंज कर सकें या किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकें, राइट? देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनकी, उसको इंश्योर करने के लिए और न्यूली सिलेक्टेड पर्सन्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्लेस करने के लिए सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में भी ये चीज़ जो है वो हेल्पफुल रहती है. तो कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं मैन पावर प्लानिंग के लिए, सबसे पहले एनालाइजिंग द करंट मैन पावर इन्वेंट्री. तो सबसे पहले कि करंट कितनी मैन पावर वर्क कर रही है, दैट इज़ डन इन द एचआर डिपार्टमेंट. एचआर मैनेजर का काम होता है ये कि करंट मैन पावर का स्टेटस क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हर डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना. देन फॉरकास्ट द फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. तो अब एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट सर्वेस की रिपोर्ट को देखना, पास्ट एक्सपीरियंस और ट्रेंड्स को चेक करना, राइट? देन नेचर ऑफ द वर्कलोड इन द डिपार्टमेंट्स, उस चीज़ को फाइंड आउट करना, देखना, और बजट कितना है कि कितने और पर्सन्स को रखा जा सकता है, रिक्रूट किया जा सकता है. देन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट? तो उसके लिए फाइनल स्टेप क्या होगा मैन पावर प्लानिंग के लिए, कि मैनेजर जो है वो कंपेयर करेगा करंट मैन पावर इन्वेंट्री को फ्यूचर फॉरकास्ट के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है. फिर उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, रिक्रूटमेंट की जाएगी, सिलेक्शन की जाएगी, एंड देन प्लेसमेंट के प्लान्स किए जाएंगे. अब हम बहुत बार यूज़ कर रहे हैं ये वर्ड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं. रिक्रूटमेंट जो है
वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का. इट बेसिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, अट्रैक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड सिलेक्टिंग द क्वालिफाइड पीपल फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि रिक्रूटमेंट्स, हम कहते हैं रिक्रूटमेंट्स निकली हैं जी, बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, दैट आर बेसिकली रिक्रूटमेंट्स. कि सर्च करना, फिर अट्रैक्ट करना, मोटिवेट करना और सिलेक्ट करना किनको, सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स को जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए जब एक एप्लीकेशन जनरेट होती है तो उसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट. इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस और इसके अंदर क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑब्टेन करते हैं हम, एंड इट रेफर्स टू द लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड द जॉब सीकर्स. तो एक एम्प्लॉयर है वो ढूंढ रहा है एम्प्लॉय को, और एक जॉब सीकर है जो ऑलरेडी अभी अभी फ्रेशली पास आउट हुआ है अपना कोई पढ़ाई ख़त्म करके, एंड इज फाइंडिंग फॉर अ जॉब. तो रिक्रूटमेंट जो है वो बेसिकली उन दोनों को मिलाने का काम करती है. रिक्रूटमेंट इंश्योर्स द प्लेसमेंट ऑफ द राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. तो उसके रिक्रूटमेंट्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं हम. दो तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकती है, इंटरनल सोर्सेज के थ्रू और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू. इंटरनल सोर्सेज का क्या मतलब है, ट्रांसफ़र कर देना, जो ऑलरेडी वर्किंग में है उसको, उसकी कहीं एक जगह पे उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देना. देन प्रमोशन, कि अगर एक पर्सन जो है वो छोड़ के चला गया है तो नीचे वाले लेवल के पर्सन को उसकी जगह दे दो तो वो प्रमोशन होगी. अपग्रेडिंग करना, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी को कुछ एक अच्छी तरह से काम कुम सिखा के उसको अपग्रेड कर देना, या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम सैलरी पे, कम वेजेस पे उनको रख लेना, या एम्प्लॉई रेफरल. अगर कोई जैसे कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसके कुछ नॉन पर्सन होंगे जिनको काम की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट से अगर वो मैच कर रही है तो एम्प्लॉई रेफर कर देता है कि हाँ जी मेरा मतलब दोस्त है या भाई है या रिश्तेदार है कोई, और ये पर्सन की ये क्वालिफिकेशन है, इतना इसका एक्सपीरियंस है, ये काम वो करता है, तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के साथ वो मैच कर रहा है तो आप उसको रख लो, ठीक है. या जॉब पोस्टिंग, तो किसी भी तरीके से इंटरनल सोर्सेज मतलब अंदर खाते, जो अंदर ही अंदर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है तो उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करना. देन आर एक्सटर्नल सोर्सेज. अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है, प्रेस के थ्रू एडवर्टीजमेंट निकालना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके बात करना, प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ जो है सेटिंग करना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में डेटा दे के आना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूटमेंट ऑन गेट. तो ये सारे तो इंटरनल सोर्सेज में आ गए, ये ट्रांसफर, प्रमोशन, जॉब पोस्टिंग, स्किल इन्वेंट्री, तो ये सारे दिस वी हैव ऑल डिस्कस्ड, है ना. तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें प्रमोशन मिल सकती है, अपग्रेडेशन मिल सकती है, ट्रांसफ़र मिल सकती है, नहीं. देन मोरल जो है एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज रहता है, तो ये काफ़ी चीप पड़ता है क्योंकि कोई भी जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं उन पर खर्चा नहीं करना पड़ता है. बट उस लेबर टर्नओवर जो है वो रिड्यूस होती है. देन एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लॉयल रहते हैं. देन दे डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग. उन्हें जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग है क्योंकि वो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर हैं, तो उन्हें एज सच इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो नहीं देनी पड़ती है, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बेस्ट इस्टेब्लिश होता है. लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनल सोर्सेज के, कि चॉइस ऑफ सिलेक्शन लिमिटाइज हो जाती है. जो टैलेंटेड पीपल हैं हो सकता है वो उस इंटरनल सोर्सेज में हमें ना मिल पाए, तो ये चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है. जो प्रमोशन है वो समटाइम्स लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड कर जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रादर देन मेरिट. कि जिस जो काबिल है उसकी जगह जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है उसे मौका मिल जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है इस चीज़ का. देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ फेल टू बिहेव इन इनोवेटिव वेज. तो समटाइम्स जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो इनोवेटिव तरीके से नहीं सोच पाते, क्योंकि वो पता है कि यहीं पे है, ऐसा ही काम चलता है तो ऐसे ही चलता रहने दो, राइट. रादर देन कि अगर कोई बाहर से पर्सन आता है तो वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इंडल्ज होता है, राइट. एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जैसे आउटसाइड एजेंसीज के थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो गई, न्यूज़पेपर में, जनरल्स में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, कहीं पे भी देना, राइट. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यहाँ पे कई बार हमारे कॉलेज में आते हैं इन कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए, या और कई कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि यहाँ पे जी कंपनीज आ रही हैं. सो दिस आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ पे जिस भी तरीके के रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, तो दे कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग.
राइट। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब्स की, तो वहाँ पे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स पे उनको जॉब्स मिल सकती हैं। देन एम्प्लॉयड एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं विच लुक टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल, राइट। प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू भी हम मैन पावर जो है वो एंटरप्राइज को पहुँचाई जा सकती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, राइट, जो मैन पावर फैक्ट्रीज के लिए सप्लाई करते हैं, उनके पास लोग आते हैं कि हाँ जी कहीं पे फैक्ट्री में जॉब है तो हमें दिलवा दीजिए, राइट। जिनको हाथ से काम करना आता है बट दे आर नॉट सो क्वालिफाइड, तो वो लेबर का काम जो है वो कर सकते हैं, राइट। देन रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस और वैकेंसीज हैं वो फैक्ट्री के गेट पे उनको लगा दिया जाता है, तो उसको देख के जो वर्कर्स हैं दे कैन कम, राइट। तो परमानेंट वर्कर, अगर दे कैन बी एम्प्लॉयड वेन एवर परमानेंट वर्कर इज एब्सेंट, राइट, तो इस तरीके से वो काम कर सकते हैं। देन अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकते हैं, वो दे सकते हैं, वेरी यूजफुल फॉर फिलिंग द वैकेंसीज वेन एवर दे अराइज। तो कहीं पे भी कैसे भी जो एप्लीकेशंस हैं उनको फिल करवा के फिर रिक्रूटमेंट जो है वो की जा सकती है। तो इसके भी एडवांटेजेस हैं अपने, द फील्ड ऑफ चॉइस बिकम्स वेरी वाइड, ब्रिंग्स पीपल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, हेल्प्स इन मोटिवेटिंग इंटरनल एम्प्लॉइज, नए आइडियाज, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट जो है वो जनरेट होता है। तो लेबर टर्नओवर है इससे वो इंक्रीज करती है, इसके डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली पड़ता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, डीमोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज कि हमारी पता नहीं कोई वैल्यू है या नहीं, कभी भी हमें निकाल सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो ऐसा फील करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी लूज हो रही है, कभी भी हमें निकाल के नए बंदों को रख सकते हैं, राइट। तो ये थी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, कैसे कैसे हम रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देख के, इंटरनल सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है। अगर सिलेक्शन की बात करें तो इमेज ऑफ द कंपनी, द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नेचर ऑफ जॉब, कंपनसेशन पैकेज एंड अदर फैक्टर्स, उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट के बाद जब उस पर्सन को आप एम्प्लॉय करवाते हो अपने इंडस्ट्री के अंदर, राइट, पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द सिलेक्शन, तो उसे मतलब कि रिक्रूटमेंट के थ्रू जो पर्सन आया है उसका जब इंटरव्यू लिया गया, तो जब जैसे रिक्रूटमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन डाल दी कि हाँ जी हमें ये चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दो, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ये हो गई रिक्रूटमेंट। अब होगी सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स कि जिस पर्सन को, बहुत सारे पर्सन में से एक पर्सन को अगर सिलेक्ट किया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया, 10 बंदे चाहिए थे, 100 का हमारे पास रेज्यूमे आया था, तो उसमें से क्या किया गया, 10 पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे रिक्रूटमेंट को बोलते हैं एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक होप जागती है कि हाँ जी यहाँ पे वैकेंसी निकली है तो हमें जॉब मिल सकती है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन इज बेसिकली अ नेगेटिव प्रोसेस, कि इसके अंदर बहुत सारे पर्सन जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड अ फ्यू ऑफ द पर्सन जो कि काबिल हैं या जो कि सूट करते हैं, जो सूटेबल मैच हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ, वो सिलेक्ट किए जाते हैं। दिस इज द सिलेक्शन। सिलेक्शन इज टू चूज, राइट, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल हु हैव द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल इन दैट पर्टिकुलर जॉब्स रिक्वायरमेंट, राइट, दैट इज कॉल्ड selection. Selection means to ensure all the recruitment and selection procedure based on equal opportunities, right? Objectives kya hain? Ki candidates jo hain wo skilled hone chahiye, unki qualities achhi honi chahiye, abilities achhi honi chahiye. Then after is to ensure all selection are made on merit. Merit basis pe honi chahiye wo jo hai aapki selections, and to develop a procedure which will assist in appointment of most of the suitable candidates, and to ensure that requirement रिक्रूटमेंट प्रोसीजर आर क्लियर एंड वैलिड फॉर जॉब। इस चीज को इंश्योर करना कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो क्लियर है एंड इट इज वैलिड फॉर द जॉब। देन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होती है, इट इज अ क्रिटिकल प्रोसेस एंड हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी होती है इसके अंदर, जब सिलेक्ट हो जाता है उस पर्सन को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जॉब एनालिसिस, first step is the process of selection. The job means an activity performed in a business unit. Clear and detailed understanding of the job is called the job study or job analysis. क्या जॉब करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उस चीज़ की सारी स्टडी को बोलते हैं जॉब एनालिसिस। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बिकॉज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस पर्सन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकेंड स्टेप जो है वो एडवर्टाइजमेंट है,
वो वाइडली बेसिकली हम लोग इसको रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिससे लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, टीवी पे, कहीं पे भी आज जो है वो हम दे सकते हैं. द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स आर यूजुअली दे आर मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, राइट. देन एप्लीकेशन फॉर्म होता है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, फॉर्म को फिल करना पड़ता है. फॉर्म को फिल करके फॉर्म में अपना पर्सनल डेटा है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशनल डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कोई पास्ट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें पूछी जाती हैं, राइट. एंड देन आफ्टर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर हैं, कोई कोई रेफरेंसेज हैं जो कि आप बता सकते हैं कि हाँ जी जी ये पर्सन जो है सही तरीके से काम कर सकता है, और लैंग्वेजेस आप कौन सी जानते हैं, राइट. तो मतलब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप है जॉब की एनालिसिस करना, फिर एडवर्टाइजमेंट को देखना, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, इनिशियल इंटरव्यू को क्लियर करना, सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करना, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक्स एंड फाइनल इंटरव्यू. तो बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद एक पर्सन को एक जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाती है, राइट. तो इनिशियल इंटरव्यू का क्या मतलब है? इट इज़ प्लान्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू कट द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, राइट. इनिशियल इंटरव्यू क्या करता है? इनिशियल इंटरव्यू में बेसिकली ये चीज़ को चेक करते हैं कि एक पर्सन जो है उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, उसकी लोकेशन, उसकी पे एक्सपेक्टेशंस क्या हमारी रिक्वायरमेंट को मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. या जैसे आजकल कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हैं वो लेते हैं पर्सन की एबिलिटीज़ और उसके नेचर को चेक करने के लिए, राइट. तो दैट कैन ऑल्सो बी अ सिलेक्शन टेस्ट और इनिशियल इंटरव्यू जिसे हम कह सकते हैं. तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं. उसकी जजमेंट पावर, उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, उसका एबिलिटी टेस्ट जो है वो हो सकता है. उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑफिस स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो नोट्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, करेक्टली प्रॉपर मूवमेंट हो रही है फाइल्स की या नहीं हो रही है. पर्सनैलिटी टेस्ट का कि किस तरीके से वो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, टीम स्पिरिट है या नहीं है, जजमेंट, ऑनेस्टी, इमोशनल बैलेंस एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर चेक्ड. अचीवमेंट टेस्ट की उसकी एबिलिटी को, इस करंट जो आपको करने की एबिलिटी को चेक करना, उस तरह का टेस्ट लेना, सैम्पलिंग टेस्ट लेना, या एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द जॉब जो है उसको टेस्ट किया जाता है. या जैसे अगर टाइपिस्ट की जॉब है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, टाइपिस्ट की जॉब के लिए उसकी टाइपिंग स्पीड, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी फास्ट वो वर्क कर सकते हैं. इस तरह से अगर ड्राइवर की रिक्रूटमेंट करनी है तो उसकी ड्राइविंग जो है उसको चेक करके फिर उसके बाद, मतलब इस तरह से कुछ डिफरेंट टेस्ट लिए जाते हैं. ये प्रिलिमिनरी राउंड के टेस्ट होते हैं, सो दैट कि जैसे अगर 1000 पर्सन्स ने एम्प्लॉय किया है, सॉरी 1000 पर्सन्स ने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट किया है रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स को, ब्रोशर्स को देख के, ठीक है. तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो फॉर एग्जाम्पल है 10 पर्सन्स की, लेकिन अप्लाई कर दिया 1000 पर्सन्स ने, तो अब उसमें से अब 1000 के 1000 का तो इंटरव्यू ले नहीं सकते, राइट. तो उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली इनिशियल इंटरव्यू या सिलेक्शन टेस्ट रख लेते हैं कि यहाँ से जो क्लियर करेगा तो वो उनका फाइनल इंटरव्यू जो है वो होगा. या फिर कई लेवल्स होते हैं कि ये जो रिटन टेस्ट है अगर वो क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसका मेडिकल क्लियर होगा. तो ऐसे ऐसे हर स्टेप पे क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है वो कम होते रहते हैं. तो 1000 ने दिया था, फॉर एग्जाम्पल 500 ने रिटन क्लियर किया, रिटन के बाद फिजिकल टेस्ट था वो 200 ने क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन थी वो 100 ने क्लियर किया, राइट. तो इस तरह से वो क्लियर हो गई, तो 100 ने क्लियर किया, अब 100 में से 100 का या जो जितनों ने क्लियर किया उनका 20 का 50 का जो है वो फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर उसमें से 10% जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा. तो देखिए वो यहाँ पे जैसे रेफरेंस चेक्स है, तो इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स एबिलिटी. इट मे गिव रेफरेंस टू द प्रीवियस एम्प्लॉयर, कोई कोवर्कर, कोई फैमिलियर पर्सन अगर आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो, या कोई पास्ट एम्प्लॉयमेंट वहाँ से कोई आ जाए, कोई फाइनेंशियल कंडीशन, रेट ऑफ एब्सेंस एक्सेट्रा. तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उस कैंडिडेट के बारे में जो लेनी है तो वो रेफरेंसेस के थ्रू भी ली जा सकती है. तो यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन वो कैंडिडेट के बारे में ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर सकती है विद द हेल्प ऑफ हिज रेफरेंसेज. और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, दैट इज द फाइनल इंटरव्यू, राइट. तो फाइनल इंटरव्यू के अंदर क्या चीज़ होती है,
दिस इज कंडक्टेड फॉर द सिलेक्टेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट. तो ये उनका लिया जाता है जिनको ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया होता है, तो इसमें से फाइनल जो है वो निकालने होते हैं. तो एडवांटेजेस क्या आते हैं, एप्लीकेशन रिड्यूस हो जाते हैं, एप्लीकेंट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, राइट. लो एम्प्लॉय टर्नओवर है, जो लो एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर है इज अ बिग प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग द न्यू एम्प्लॉयज दे आर वेरी हाई. सो अप्रोप्रिएट सिलेक्शन जो है वो मस्ट होती है यहाँ पे, सो दैट की जो पैसा है वो वेस्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन का. तो ऐसे ही असेस बिहेवियर को असेस करना सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेक्शन. नाउ वी हैव कम विद द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पीपल आर डिफरेंट इन देयर अबिलिटीज, दे ऑलवेज हैव डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ द सेम वर्क डन बाई टू अदर पीपल. दो अलग अलग पर्सन अगर एक ही काम करते हैं तब भी उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी ऑफ द सेम वर्क में डिफरेंस होता ही होता है. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, टू अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज अबिलिटीज. सो इट इज़ वेरी यूजफुल मेयर टू मेयर द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. It is very old concept, वैसे but it considers the past performance of the employees and focus on the improvement in the future. कि employee ने अपने आप में कितनी improvement करी है. Employee appraisal बोल देते हैं इसे, performance review बोल देते हैं, performance evaluation बोल देते हैं. कि last month for example एक employee ने 10 packets या 100 packets को बनाने का production का for example काम किया था, तो इस बार क्या उसने उसको 101 किया या 99 कर दिया या 100 का 100 ही रहा. दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली, कि कितनी एम्प्लॉय के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है अपने इम्प्रूवमेंट अपने अंदर इम्प्रूव करने की. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सैलरीज को, वेज स्ट्रक्चर को, कंपनसेशन पैकेजेस को डिटर्मिन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानने के लिए, रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस उनकी फीडबैक लेने के लिए, टू इम्प्रूव द वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट. देन टू क्रिएट अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन टू मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज़, फ्रेमिंग फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रमोशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, ये इस वजह से करते हैं. अब मेथड्स क्या हैं, कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, द मैनेजर राइट्स डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज थ्रू आउट द परफॉर्मेंस पीरियड. मैनेजर जो है वो कंट्रोल करता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स ऑफ द वर्कर्स बिहेवियर. सो फॉर एग्जांपल May 25 को इसने क्या किया, एक कस्टमर की कंप्लेंट को बहुत पोलाइटली हैंडल किया. ठीक है, अगर बैड क्रिटिकल इंसिडेंट लिखना हो, क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो डेली हो रहा है ड्यूरिंग जिस टाइम पे उसकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही है. तो स्टोर मैनेजर ने कॉल करी तो जो सेल्स असिस्टेंट था वो उसकी कॉल को उठा नहीं पाया एंड ही स्टेड 45 मिनट्स ओवर ऑन हिज ब्रेक ड्यूरिंग हिज बिजिएस्ट पार्ट ऑफ द डे. तो अगर बहुत ज़्यादा काम था जिस ड्यूरेशन में, तो उस ड्यूरेशन में वो 30-45 मिनट्स अपनी उस पर ही रहा जो उसको ब्रेक मिलती है, तो ब्रेक को एक्सटेंड करता रहा, वहीं पे रहा ब्रेक पे या ज़्यादा टाइम के लिए चला गया तो अपना बिजी पार्ट को या बिजी स्केड्यूल को छोड़ के, राइट. तो इस तरीके से, इस मेथड से एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय की. ऐसे ही दूसरा होता है वेटेड चेकलिस्ट मेथड. तो ये भी एक बहुत सिंपल मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है, अबाउट द एम्प्लॉय बिहेवियर, इफ मैनेजर बिलीव्स दैट द एम्प्लॉय पोजेसेस अ पर्टिकुलर ट्रेड देन ही चेक्स द स्टेटमेंट, अदरवाइज लीव्स द स्टेटमेंट ब्लैंक अंडर दिस वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, दैट कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करी या नहीं, येस और नो, येस पे टिक लगेगा या नो पे टिक लग जाएगा. तो वेटेड, तो ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बनाई होती है तो उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसको टिक या क्रॉस कर दिया जाता है. उसने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो किया, येस और नो, रोज़ की तरह मिस्टेक करी कि कम करी, येस और नो, इज ही रिस्पेक्टेड बाय हिज कलीग्स, क्या उसके कलीग्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, राइट. तो इस तरीके से चेक स्टेटमेंट्स जो हैं उनके थ्रू भी इवेल्युएशन की जा सकती है. देन थर्ड में है एक एसे इवेल्युएशन मेथड, राइट. तो इस मेथड के अंदर क्या है, इट इज आस्क्ड, मैनेजर इज आस्क्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक पॉइंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज बिहेवियर, कि उसकी इवेल्युएशन करना. तो मोस्ट क्वालिटेटिव टेक्निक है ऐसे इवेल्युएशन जो मेथड है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करना,
राइट एंड ऑलवेज यूज्ड यहाँ पे ग्राफिकल स्केल जो रेटिंग स्केल जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. दैट जॉब नॉलेज कितनी है, एम्प्लॉय का पोटेंशियल कितना है, उसका कोवर्कर्स के साथ रिलेशन कैसा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग की एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो कंपनीज की पॉलिसीज़ को ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करता है या नहीं करता है. देन ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, ये भी एक बहुत ओल्ड मेथड है एवेल्यूएशन का कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना है. इन दिस मेथड प्रिंटेड फॉर्म जो है उसको यूज़ करते हैं टू एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क को रेट किया जाता है. देन इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, या उसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है. देन बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, तो उसकी जो बिहेवियर हैं उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्सपेक्टेशन स्केल्स बनाए जाते हैं, और उन स्केल्स को वो कब मीट कर रहा है और कब नहीं कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस और इनइफेक्टिवनेस को वहाँ पर नोट डाउन किया जाता है. परफॉर्मेंस रैंकिंग मेथड्स इज यूज टू असेस द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट लेवल्स पे, राइट. इस मेथड में क्या हो रहा है कि मैनेजर जो है इट मेक्स द कंपैरिजन ऑफ एन एम्प्लॉय विद द अदर्स. तो इसमें क्या कर सकते हैं, दो पर्सन या तीन एम्प्लॉयज या चार एम्प्लॉयज जो सेम लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का एक रैंकिंग मेथड बना लेना. देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, कि जो मैनेजर है उसने एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सेट कर दिए, और रेगुलर बेसिस पे उन ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव किया कितना नहीं किया उसके अकॉर्डिंगली एक अप्रेजल रिपोर्ट जो है उसको तैयार करना. देन 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चीज़ भी हो सकती है. ये मॉडर्न मेथड है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. इसमें जो सुपीरियर्स हैं ओनली मतलब जो उनका अप्रेजल है दैट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द व्यूज ऑफ द सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स, कोवर्कर्स, मैनेजर्स, हर एक पर्सन का, मतलब 360 डिग्री जितने भी पर्सन आपके आसपास हैं उन सब के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है, और सबके अकॉर्डिंगली आपको रैंकिंग दी जाती है. देन बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल स्केल्स, इस मेथड में क्या करते हैं, बिहेवियर, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा है नेगेटिव टाइम्स में, वो किस तरह से प्लांट को फैक्ट्री को किस तरह से मोस्टली यूटिलाइज करता है, वर्किंग टाइम कितना है रेगुलर बेसिस के ऊपर, कितने घंटे वो काम कर रहा है. या फील्ड रिव्यू मेथड, कि स्किल्ड और ट्रेंड प्रिस्क्रिप्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ एचआर डिपार्टमेंट वो फील्ड में जाते हैं, सुपरवाइजर को पूछते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, और उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. सो द परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो हैं कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, राइट. दे हेल्प्स टू फाइंड आउट द एफिशिएंट एम्प्लॉयज, प्रमोशन में हेल्प करते हैं, कंपनसेशन पैकेजेस जनरेट करने में हेल्प करते हैं, सुपरवाइजर्स को हेल्प करते हैं टू फ्रेम ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, एंड डिमोशन ऑफ द इनएफिशिएंट वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर्स, राइट. दैट मीन्स कि जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका क्या मीनिंग हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग हो गया कि हम किस तरीके से एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं ताकि उसे प्रमोशन दी जा सके, या उसे रिवॉर्ड दिया जा सके, या उसको निकाला जा सके, या किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो चेक किया जा रहा है. तो परफॉर्मेंस चेक इज बेसिकली नेम्ड एज द परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय को इवेल्युएट करना क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, टाइम, हर एक बेसिस के ऊपर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो वी आर ऑल डन विद टुडेज टॉपिक. आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू. स्टिल देयर विल बी एनी डाउट, वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.